Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, वेलकम टू cutecat.in। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का दिल से शुक्रिया करता हूँ मैं। आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया, काफ़ी अच्छा प्यार दिया। आप लोगों की हेल्प भी हुई वीडियोस देख के, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी, सर आप फ्लीज एंड टिक्स के ऊपर वीडियो बनाओ, तो मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ फ्लीज एंड टिक्स के ऊपर, जो कि ये कॉमन प्रॉब्लम होती है पेट्स और कैट्स के अंदर। तो फ्लीज एंड टिक्स का इजीली सॉल्यूशन कुछ हार्ड नहीं है, आपको घर बैठे आप यूज़ कर सकते हो, इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। ये कॉमन प्रॉब्लम होती है नॉर्मली मॉनसून में फेस करना होता है, और जो कि अभी मॉनसून सीजन चल रहा है, तो नॉर्मली ये प्रॉब्लम हर पेट्स में मिलेगी। और आपको इजी वे में इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। ये नॉर्मली दो प्रोडक्ट आते हैं, एक एरिना शैम्पू आता है, एक फिप्रोपोर्ट स्पॉट ऑन आता है। ये दो चीज़ है तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपका टाइम भी बच जाएगा फ्रेंड। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये दो प्रोडक्ट है पेट क्लिनिक पे मिल जाएंगे, आपको लेके आना है। लेके आने के बाद में ये जो फिप्रोफोर्ट है, फिप्रोफोर्ट को आपको कैट्स की नेक पे डालना होता है, जो कि मैं आपको वीडियो में बता देता हूँ कैसे अप्लाई करते हैं, वो आप देखोगे तो आपको आइडिया ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो फ्रेंड ये जो फ्लीज एंड टिक्स का प्रॉब्लम है, ये नॉर्मल मैं भी फेस कर चुका हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये प्रॉब्लम हर एनिमल्स को होती है फ्लीज टिक्स, और नॉर्मल ये जब पानी में बैठते हैं तो इनको ज़्यादा होने का चांसेस हो जाता है। तो अगर आपको आपकी कैट्स या आपके पेट्स को हो चुका है तो आप ये इसे यूज़ कर सकते हो। चलिए फ्रेंड, मैं आपको अभी बताता हूँ फिप्रोफोर्ट कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे इसे कैट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, वो आपको अभी मैं बता देता हूँ। यह है फिप्रोफोर्ट और ये है मेरी कैट, कैलिगो कैट है, इसको फ्लीज हो गया है। अभी इसकी नेक पे मैं अप्लाई किया हूँ, आप लोग ध्यान से देख लीजिए और देखिए ऐसा। आपको उसकी हेयर्स को हटाकर स्किन में डालना होता है, आपको ये दिख रहा होगा प्रॉपरली, देख लीजिए ऐसा स्किन में डालना है। और ध्यान रखिए फ्रेंड, मुंह में नहीं डालना है, बराबर नेक के ऊपर डालना है और उसे बाद में हेयर से कवर अप कर लेना है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए फ्रेंड। ये है मेरी कैलिको कैट और इसको थोड़ा फ्लीज हो गया था, ये वाटर में ज़्यादा बैठ रही थी, तो अभी इसे हम फिप्रोफोर्ट अप्लाई किए हैं। 48 आवर्स में इसका रिज़ल्ट मुझे दिख जाएगा, मैं आपको अपडेट कर दूँगा। देखिए अभी हमारे पास थोड़ा और फिप्रोफोर्ट बचा हुआ है, वो भी हम आपको बता देते हैं कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए लोग बैठते नहीं, आपको थोड़ी एक जन की और हेल्प लगेंगी, तो एक जन के साथ में आप पकड़ के डालिए। और ये लिक्विड होता है, पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है, तो ऐसा आपको आपके कैट्स के हेयर को कवर कर लेना है। जहाँ पे फिप्रोफोर्ट डाले हैं वहाँ पे कॉम कर लेंगे अच्छे से। और ध्यान रखिए फ्रेंड, इसे लीक ना करे कैट, लीक करेगी तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये चीज़ का ध्यान रखें। मीन्स उसे कैट जहाँ पे आपने फिप्रोफोर्ट डाले है वो पोजीशन पे चाटे नहीं, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड 48 आवर्स तक। तो वॉश कैसे करते हैं एरिना शैम्पू से, तो चलिए अब वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो आपको ये भी बता देता हूँ, ये एरिना शैम्पू अगर आप यूज़ करते हो तो नॉर्मली ये प्रॉब्लम फेस नहीं करने होगी मिलेगी आपको। तो अगर आपको कैट को फ्लीज या टिक्स हो गई है तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे इसे आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। जो फिप्रोफोर्ट है फ्रेंड, फिप्रोफोर्ट के अंदर आपको ऐसा एक लिक्विड मिलेगा, लिक्विड आपको कैट्स को कैट्स की नेक के ऊपर डालना होता है। नेक पे डालोगे तो वहाँ पे मीन्स पूरे स्किन में स्प्रेड हो जाएगा। और ध्यान रखिए मुँह पर नहीं डालना है, क्योंकि अगर आपकी कैट ने इसको लीक कर दिया तो आपकी कैट्स को प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपकी कैट्स लीक ना करें मीन्स उसे चाटे ना, तो इसीलिए हम इसे नेक पे डालते हैं ताकि वो चाट ना पाए। तो अभी आपको मैं बता देता हूँ, ये जैसे आप फिप्रोफोर्ट अप्लाई करते हो, अप्लाई करने के बाद 48 आवर्स तक आपको उसको ध्यान रखना है क्या वो लीक ना करे। 48 आवर्स के बाद में
आपको उसको एरिना शैम्पू से नहलाना है। एरिना शैम्पू से कैसे नहलाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको वार्म वाटर लेना है, वार्म वाटर लेने के बाद में आपको कैट्स के ऊपर थोड़ा वार्म वाटर डालना है, उसके बाद में एरिना शैम्पू डाल के आपको 10 मिनट्स के लिए वहाँ पे छोड़ देना है अप्लाई करके। 10 मिनट छोड़ने के बाद में आपको फिर वो वॉश कर लेना है। वॉश करोगे उसके बाद में आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपकी कैट की जो फ्ली स्टिक जो भी होगी वो मोस्टली गायब हो गई होगी। अपना रिजल्ट देख चुका हूँ ये दो चीज़ का, तो ही आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। एंड दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं पर्सनली मैं 8-10 साल से ये चीज़ पाल रहा हूँ, तो मुझे इतना नॉलेज हो गया है, वही मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और सेकंड चीज़, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टेड वीडियो देखने को मिलेगी। और इनकेस आपको अगर कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट्स करके बोल सकते हो, बता सकते हो, मैं आपकी क्वेरीज को ध्यान दूंगा और आपको रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।